नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नट। इसमें नट के प्रकार में देखने वाले हैं हम लोग, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और ख़ास करके DMRC के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नट के बारे में देखेंगे तो अलग अलग नट के बारे में यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो नट है ये कैसल नट है। कैसल नट बोल्ट के ऊपर टाइट करने के लिए जो दूसरा भाग होता है वो नट ही होता है। तो अलग अलग टाइप्स के जो नट होते हैं इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कैसल नट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ये कैसल नट है, यहाँ पर ये कैसल नट है और ये स्लॉटेड नट है। कैसल नट और स्लॉटेड नट में अगर अंतर देखें तो ये जो स्लॉटेड नट होता है ये हेक्सागोनल नट के जैसा ही होता है, षष्ठभुजाकार आकृति होती है और इसमें ये स्लॉट कटा होता है। जबकि कैसल नट में देखेंगे तो कैसल नट भी हेक्सागोनल ही होता है, लेकिन इसके ऊपर एक ये कॉलर होती है, सिलिंड्रिकल बेलनाकार कॉलर होता है और कॉलर में स्लॉट कटा होता है। यानी इसकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। दोनों देखने में एक ही जैसा दिखता है, लेकिन अंतर बस यहीं पर ही है। ये कॉलर होता है और ये पूरा हेक्सागोनल होता है और इसी में स्लॉट कटा होता है। कहाँ पर प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग देखिए, यहाँ पर ये बोल्ट है और इस बोल्ट में भी होल होता है, और बोल्ट में होल हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि ये स्प्लिट पिन इस बोल्ट में डाल करके और ऊपर से नट लगा करके होल में स्प्लिट पिन को क्या कर सके, डाल सके। स्प्लिट पिन मतलब दो भागों में बना होता है, जैसे पंखे वाला नट होता है उसमें बोल्ट के ऊपर जो होल होता है उसमें पिन डाल करके नट को टाइट करने के बाद पिन डाल करके और पिन को फैला देते हैं, तो वही पिन होती है यहाँ पर स्प्लिट पिन। तो इस तरीके से हम लोग होल में स्प्लिट पिन डाल करके और प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बोल्ट है और ये नट है, ये सिंपल नट है। यहाँ पर स्प्लिट पिन इस तरीके से डालकर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्लॉटेड नट है, स्लॉटेड नट में ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसमें स्प्लिट पिन ये बोल्ट के साथ डाल करके, बोल्ट के साथ जो होल होता है उसमें डाल करके और फैला देते हैं। इस तरीके से फैला देने से ये नट जो है बोल्ट के ऊपर से खुलता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये कैसल नट है, इसमें हम लोग बोल्ट में जो होल है ये कैसल नट को टाइट करके इसके ऊपर और पिन डाल करके क्या करते हैं, पिन को फैला देते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अभी इससे संबंधित पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है यह हेक्सागोनल नट के आकार के जैसा होता है, अंतर केवल इतना होता है इसके हेड पर एक कॉलर बनी होती है ये वाला भाग, और जिसमें स्लॉट कटी होती है। सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछेगा, DMRC में बार बार पूछा हुआ है। एक ऐसा नट जिसमें एक सिलेंड्रिकल कॉलर बना होता है और उसमें स्लॉट कटा होता है, कौन सा नट होता है? ऑप्शन में दिया रहेगा कैसल नट है, स्वान नट है। इस तरीके से दिया रहेगा तो हम लोग किसको टिक आउट करेंगे, कैसल नट को टिक आउट करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट में एक होल होता है। ये जो बोल्ट होता है इसमें होल होता है, नट को पूरी तरह से कसने के बाद स्लॉट और होल में एक स्प्लिट पिन डाल दी जाती है। इस तरीके से स्प्लिट पिन को डाल करके और क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे नट का खुलने का भय नहीं रहता है। पिन के मुँह को फैला दिया जाता है, इससे नट खुलने का भय नहीं रहता है। इस तरीके से यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, इसके बनावट के आधार पर ही लाइन लिख करके पूछेगा कि कौन सा नट होता है, तो आसानी से हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा नट है ये व्हील्स नट, नहीं तो इसको स्वान नट बोला जाता है। अब इसमें देखेंगे तो किस तरीके से इसकी बनावट होती है, तो अभी देखिए ये बोल्ट के ऊपर ये नट लगा हुआ है, इसी को हम लोग स्वान नट बोलते हैं। इस नट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नट की पूरी हाइट है, इस हाइट के लगभग बीचों बीच एक स्लॉट कटा होता है, ये स्लॉट है, और इस स्लॉट के ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो ये एक होल होता है, ये क्लियर होल होता है जिसमें हम लोग स्क्रू को ऊपर से डाल सकते हैं, और ये होल जो होता है इसमें थ्रेड नहीं कटा होता है, ये होल इस स्लॉट के ये जो नट वाला भाग है इसके निचले सतह तक भी होता है, और इसमें भी इस होल में चूड़ी कटी होती है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लियर होल होता है, यहाँ पर ये नीचे वाला जो होल है इस होल में इंटरनल थ्रेड अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। इसके लिए जो हम लोग ये स्क्रू का प्रयोग करते हैं ये होल में डाल करके, और इस जो थ्रेडेड
नीचे वाला थ्रेडेड पोर्शन है इसमें डाल करके स्क्रू ड्राइवर से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, टाइट करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर जब नट को हम लोग टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से, टाइट होने के बाद ये वाला जो स्क्रू होता है इस स्क्रू को होल में डाल करके, और नीचे वाला भाग पर ये थ्रेड अंदरूनी थ्रेड होती है, ये आर पार होल ही होता है, इसमें थ्रेड नहीं होता है, निचले भाग पर थ्रेड होता है। तो स्क्रू को इस निचले भाग में हम लोग स्क्रू ड्राइवर के द्वारा क्या करते हैं, टाइट करते जाते हैं, टाइट करते जाएंगे। ये भी आर पार होता है निचले सतह में होल, ये स्क्रू जो होता है ये जॉब के सतह के साथ टच करते जाता है। तो ये जो नट का ऊपरी हिस्सा है ये स्लॉट वाला, ये हल्का सा दब जाता है, हल्का सा दबेगा जिसके कारण ये बोल्ट और नट के बीच में एक प्रेशर डेवलप होता है, दबाव लगता है, जिसके कारण अगर वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है, झटका वगैरह आ रहा है नट के ऊपर, तो ये ढीला नहीं होता है या खुलता नहीं। तो ये अंतर है। यहाँ से पूछेगा कि एक ऐसा नट जिसके मध्य में स्लॉट कटा होता है और ऊपर से हम लोग स्क्रू को डाल करके टाइट करते हैं, ये कौन सा नट होता है, ये होता है विल्स नट, नहीं तो इसको स्वान नट बोला जाता है। बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी में, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित पॉइंट को देखें तो इस नट के साइड में, नट के मध्य में एक स्लॉट कटी होती है, ये इस तरीके से स्लॉट के ऊपरी भाग पर फिट किए जाने वाले स्क्रू से कुछ बड़े व्यास का होल होता है, ये ऊपर में होल होता है जहाँ पर स्क्रू को डालते हैं, निचले भाग पर चूड़िया कटी होती है, इसके नीचे वाला जो भाग होता है इसमें थ्रेड होती है, इंटरनल थ्रेड। नट को कसने के बाद स्लॉट पर लगे स्क्रू को कस दिया जाता है जिससे नट का ऊपरी भाग कुछ दब जाता है और चूड़ियों में दबाव बढ़ जाता है जिसके कारण नट खुलने का भय नहीं रहता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको टाइट कर देंगे तो ये थोड़ा दबाव में आ जाता है, तो बोल्ट और नट के बीच में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसके कारण ये ढीला नहीं होता है। तो सेम इसी से संबंधित इसकी रूपरेखा बनावट के आधार पर ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नट के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट नट है सीमेंट्स लॉक नट, नहीं तो इसको सेल्फ लॉकिंग नट भी बोलते हैं। अब सेल्फ लॉकिंग नट क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये सीमेंट्स लॉक नट है नहीं तो सेल्फ लॉकिंग नट होता है ये। इसको ध्यान से देखें तो ये हेक्सागोनल आकृति का ही होता है, लेकिन इसके ऊपर देखेंगे तो ये कॉलर बना होता है और इस कॉलर के अंदर में ये फाइबर नहीं तो नाइलॉन का वाशर होता है। ये जो काला भाग दिख रहा है अंदर में, ये फाइबर नहीं तो नाइलॉन का वाशर होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये अंदर में फाइबर या नाइलॉन का वाशर होता है। इसे क्या फायदा होता है, यहाँ पर देखिए ये बोल्ट है, बोल्ट में अगर देखेंगे इस तरीके से ये बोल्ट है तो ये बाहरी चूड़ी कटी होती है, इसमें ये वाला जो डायमीटर होता है ये बाहरी डायमीटर यानी मेजर डायमीटर होता है या उसाई डायमीटर, यहाँ ये वाला भाग थ्रेड में क्रेस्ट कहलाता है और ये रूट कहलाता है। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डायमीटर होता है मेजर डायमीटर, और यहाँ ये जो रूट से रूट तक का डायमीटर होता है ये माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर होता है, नहीं तो कोर डायमीटर या छोटा डायमीटर बोलते हैं इसको। तो इसमें जो ये वाशर होता है नाइलॉन या फाइबर का, ये बोल्ट के, ये जो बोल्ट है इस बोल्ट के कोर डायमीटर से भी या छोटे डायमीटर से भी थोड़ा सा छोटा होता है। जब वाशर को इसके अंदर ही रखते हैं और बोल्ट के ऊपर इस नट को जब हम लोग इस तरीके से टाइट करते हैं, ये वाशर है तो ये बोल्ट का जो थ्रेड है इस नट के अंदर जो वाशर है इसमें गुना काटता है, ये मुलायम है ना, नाइलॉन नहीं तो फाइबर है तो उसमें थ्रेड कटते जाता है और इस तरीके से हम लोग इसको टाइट करते जाते हैं। अब टाइट करेंगे तो ये आसानी से जा करके और फिट हो जाता है ये इनके थ्रेड के साथ, और नट को जाम करके रखता है तो जब भी वाइब्रेशन वगैरह होता है तो ये खुलने नहीं देता है। तो इस तरीके से इसमें मैचिंग होता है और आसानी से ये वाइब्रेशन होने पर खुलता नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग नट नहीं तो सीमेंट्स नट। सेल्फ लॉकिंग नट हम लोग इसीलिए बोले तो ये अलग से हम लोग कार्य नहीं किए, बस नट को टाइट करते गए बोल्ट के ऊपर ये अपने आप लॉक होते जाता है क्योंकि वाशर में थ्रेड कटते जाती है, ये अपने आप नट और बोल्ट दोनों एक साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जाम हो जाते हैं, ये खुलने का डर नहीं रहता है, इसलिए इसको सेल्फ लॉकिंग नट बोला जाता है, नहीं तो सीमेंट्स नट बोला जाता है या सीमेंट्स लॉक नट बोला जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नट है इसको एक बार ही यूज कर सकते हैं हम लोग, वन टाइम यूज करके ये फिर फेंक सकते हैं, यूज एंड थ्रो टाइप का होता है, नहीं तो वाशर चेंज करना पड़ेगा फिर बार बार। अगर इस तरीके से हम लोग इसको बोल्ट के ऊपर टाइट करते जाएं तो इसमें जो वाशर है वो एक बार
वाशर में जब थ्रेड कट जाता है फिर दोबारा नट पर टाइट करेंगे तो ढीला रहता है, इसलिए वाशर को चेंज करना पड़ेगा। एक बार यूज कर सकते हैं इसको। अभी इससे संबंधित पॉइंट को देखें तो इस नट के ऊपरी भाग पर एक कॉलर बनी होती है। इस कॉलर के अंदर नाइलॉन या फाइबर की वाशर लगी होती है जिसका भीतरी व्यास बोल्ट के कोर डायमीटर से छोटा होता है। ये जो माइनर डायमीटर या कोर डायमीटर होता है उसे भी छोटा होता है। जब नट को कसते हैं तो बोल्ट का एंड इस रिंग में, इस रिंग का मतलब क्या है, ये जो वाशर है वाशर में चूड़ी काटता है जिससे वह रिंग यानी वाशर बोल्ट की चूड़ियों को मजबूती से पकड़ लेता है और नट को ढीला होने का भय नहीं रहता है। इस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो अभी इससे संबंधित पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लॉक नट। अभी यहाँ पर देखेंगे लॉक नट के लिए, ये एक फुल नट है, ये छोटा जो नट है इसको हम लोग लॉक नट बोलते हैं। बड़े नट के नीचे छोटा नट जो लगा होता है इसको लॉक नट बोलते हैं। अगर यहाँ पर ये बड़े नट की ये जो हाइट है अगर इसको एच मान ले तो ये छोटे नट की जो हाइट होती है ये फुल हाइट यानी ये जो बड़ा नट है फुल नट इसके हाइट का आधा होता है यानी एच बाई टू इसको मान सकते हैं, आधा होता है। अभी यहाँ इसका भी प्रयोग हम लोग फास्टनिंग के लिए करते हैं। अगर फास्टनिंग के लिए देखें तो बड़े नट के नीचे छोटे नट को रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से दोनों नट को टाइट कर लेते हैं। दोनों नट को टाइट करने के बाद दो रिंच लेते हैं या दो स्पेंडर लेते हैं, एक इसमें और इसमें फंसाते हैं और इस तरीके से एक दोनों रिंच को एक दूसरे के विपरीत चलाते हैं यानी एक को इधर दूसरे को क्या इधर यानी इस तरीके से चलाते हैं तो ये वाला टाइट होगा, ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये इधर टाइट होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा तो दोनों के बीच में एक दबाव बन जाता है और उसी दबाव के कारण ये जो नट होता है वाइब्रेशन होने की वजह से खुलता नहीं है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं ये ऊपर वाला फुल नट है ये बोल्ट है और नीचे वाला ये हाफ नट है या हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉक नट, ये लॉक नट। अगर इसमें देखेंगे तो ऊपर वाले फुल नट का ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये निचला सतह बोल्ट के साथ कॉन्टेक्ट में है और इसका अगर देखेंगे ये जो लॉक नट है इसका ऊपर वाला ये जो भाग है सब में देखेंगे तो ये ऊपर वाला भाग ही क्या कर रहा है, ये बोल्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो दोनों की तरफ से एक अपोजिट प्रेशर डेवलप होता है जिसके कारण ये ढीला नहीं होता है। तो इसका भी प्रयोग लॉकिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि नट बोल्ट ढीला ना हो, इसको लॉक नट बोला जाता है। अगर इस तरीके से फिगर दे करके पूछ ले तो आसानी से बता सकते हैं इसमें से लॉक नट कौन सा है, ये जो छोटा वाला होता है उसके हाइट का ये आधा हाइट होता है। इसके बाद दूसरा होता है ग्रूव नट, नहीं तो इसको पेनिंग नट भी बोला जाता है। इस नट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ये नट हेक्सागोनल आकृति होती है लेकिन नीचे में देखेंगे तो ये नीचे की तरफ ये एक कॉलर के जैसा भाग होता है और ये कॉलर में एक ग्रूव कटा होता है ग्रूव। तो इसके लिए जब हम लोग बोल्ट के ऊपर हम जब इसको टाइट करते हैं तो ये जो बोल्ट जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर ये जो होल होगा ये काउंटर सॉरी ये बोरिंग टाइप से यानी होल के ऊपरी भाग क्या होना चाहिए, स्टेप में बना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये जो इसका कॉलर है जिसमें ये ग्रूव कटा हुआ है ये होल में ही घुसता है। इस तरीके से जब हम लोग टाइट करते हैं तो ये होल में ही घुसता है और ये जो ग्रूव वाला भाग है फिर इसको टाइट करने के बाद साइड से हम लोग एक स्क्रू को नहीं तो सेट स्क्रू को इसमें डाल करके और फिर टाइट कर देते हैं जिसके कारण ये नट इसमें फंसा रहता है, नट ये और ये जो सेट स्क्रू है इसके ग्रूव में फंसा रहता है, ये हिलने उलने पर ये ढीला नहीं होता है। तो इस तरीके से ये लॉकिंग होता है। अभी देखिए यहाँ पर ये जॉब है, इसको हम लोग नट को बोल्ट के ऊपर टाइट कर देते हैं, ये होल में अंदर आते जाता है क्योंकि यहाँ पर जो होल बना होगा ये काउंटर बोरिंग होल होता है, ये स्टेप होता है, ओरिजिनल होल ये है, ओरिजिनल होल का डायमीटर ये है जबकि जो हमारा काउंटर बोर होल है ये ऊपर वाला स्टेप में तो ये इतना बड़ा है। यहाँ पर इसका ये जो ग्रूव है ना ये अंदर घुसता है और इसी में ये जो कॉलर है अंदर आता है और इसी में ग्रूव होता है तो ये ग्रूव में ये साइड से हम लोग नट को सॉरी नट को नहीं यहाँ पर स्क्रू को टाइट करके ये ग्रूव में ही डाल देते हैं जिस कारण से ये ग्रूव और ये सेट स्क्रू होता है इसी में फंसा रहता है तो ये वाइब्रेशन होने पर ढीला नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है ये डोम नट। डोम नट यहाँ पर ये जो इसका शेप देखेंगे ये गुंबद के शेप का जैसा होता है तो गुंबद शेप जहाँ पर भी होता है उसको हम लोग डोम शेप बोलते हैं और इसी के कारण इस नट का नाम है डोम नट। दूसरे भाषा में इसको कैप नट भी बोला जाता है, टोपी के जैसा दिखता है इसीलिए इसको कैप नट भी बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से संबंधित फिगर देकर के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है इस तरीके से। खास करके हम लोग जो कैसल नट, स्वान नट और सेल्फ लॉकिंग नट पढ़े हैं
वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।